एनसीईआरटी की बुकलेट ओपन करें, पेज नंबर 46, ठीक है, पेज नंबर 46। इसमें जब भी चैप्टर स्टार्ट है तो ये स्टार्ट है एक फोर्स के फॉर्मूले के साथ, BQB sin 90। इस पे लिख लें ऑलरेडी डन इन हैंड रिटन शीट्स या नोट्स, तो यहां से करने की जरूरत नहीं है, लिख लें ऑलरेडी डन या रेफर हैंड रिटन बुकलेट, बात खत्म, तो इसको क्रॉस कर दें। नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको तो क्या याद करोगे, तो सिर्फ एप्लीकेशन है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसके अंदर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, आज मैंने करके दिखाया कि पैराबोला, पैराबोला का प्रूफ मैंने करके दिखाया, ये पैराबोला का प्रूफ हो गया। उसके बाद है लॉरेंट्स फोर्स, लिख दो डन इन हैंड रिटन शीट, लॉरेंट्स फोर्स याद है, करवाई थी, सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंट फोर्स है, डन इन हैंड रिटन, डन, इसको करने की जरूरत नहीं है। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आज हमने कोर्स में किया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट्स मूव इन अ सर्कल, सर्कल में हमने रेडियस निकाला, हमने ओमेगा निकाला, हमने टाइम पीरियड निकाला, जिसके फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपने नोट कर लिए, ठीक। उसके बाद टॉपिक है हेलिक्स, हेलिक्स वाला केस हमने कर लिया, ये सब फॉर्मूलाज आपने नोट कर लिए हेलिक्स के, तो ये सारा काम हमने ऑलरेडी कर लिया।